फरक्काबाद जिले में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए एएसपी के आदेश पर स्वाट टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित ने अपनी टीम के साथ मुखबिरी की सूचना पर धीरपुर चौराहा नबीगंज वाले रोड पर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने 5 बाइक चोरी करने व बेचने की बात कबूली। उसके बाद उसकी निशानदेही पर 9 बाइक और साथ में पंकज कुमार नाम के एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि स्वाट टीम के साथ मोहम्मदाबाद पुलिस के साथ मिलकर वाहन चोरी को पकड़ने के साथ 9 विभिन्न कंपनियों की बाइक बरामद की गई है। सभी बाइकों की जाँच कराई जा रही, उसके साथ आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। जनपद फतेहगढ़ की स्वाट टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर कुलदीप दीक्षित को सूचना मिली थी कि एक बाइक चोर बाइक से कहीं जा रहा है। इस सूचना पर इन्होंने घेरेबंदी की, मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस को भी साथ लिया और घेरेबंदी में उसे पकड़ा। उसे पूछताछ की गई, पूछताछ में मालूम हुआ कि उसके पास जो बाइक थी वह भी चोरी की थी। इसके अलावा और कई सारी बाइक उसने पहले चुराई थी, उसमें उसका एक साथी भी था। तो मौके पर जो पकड़ा गया अभियुक्त, इसका नाम संतोष कुमार पुत्र बाल किशन और गुद्दम, ये बेवर जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर 8 अन्य मोटरसाइकिलें अलग अलग ब्रांड की जो विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थी वो सब बरामद हुई। इस प्रकार कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई और एक दूसरा अभियुक्त पंकज कुमार जो कि इसके साथ चोरी में शामिल रहा वो भी इसी के साथ गिरफ्तार हुआ। वर्तमान में चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें पूरी टीम हमारी है जिसमें उप निरीक्षक कुलदीप दीक्षित, राजवीर सिंह, आरक्षी नवनीत कुमार, जितेंद्र त्रिपाठी, आरक्षी ललित कुमार और सुजीत कुमार ये शामिल थे। एक दूसरी टीम भी थी जो सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में थी, उसमें उप निरीक्षक राजेश कुमार और आरक्षी अमनीश कुमार शामिल थे।